क्या फंसा फंसा चलता भाई, अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग कर ले यार। ट्रेडिंग में सिर्फ एक ही चीज चाहिए, साइकोलॉजी स्ट्रांग कर ले, अपने रूल्स बुक को अच्छे से मेंटेन करके रखो। रूल बुक का बात कर रहा हूं मैं, रूल बुक का, समझो इस बात को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू TRS 330 फॉर्मूला। आज का मार्केट क्या है उसकी एनालिसिस वीडियो मैं ला रहा हूँ। आज है 16 सितंबर 2024। आज मार्केट बैंक निफ्टी में PDH के ऊपर खुलता है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना रहता है कि मार्केट में गैप अप में ट्रैप लगा है या ट्रेंड लगा है। तो जैसे ही मार्केट में हम लोगों को ट्रैप का कन्फर्मेशन आता है, हम लोग TRS का वेट करने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त OI में हलचल होता है, जो कि मैं अपने लाइव वीडियो में बता रहा था कि अब भी यहाँ से कॉल की तरफ ही मूवमेंट करेगा। और मार्केट में हम लोगों को TRS कब तक देखना है, जब तक हम लोगों का डे लो का टारगेट नहीं आ जाता। पहला टारगेट हम लोगों को गैप अप में डे लो होता है, दूसरा SMA, तीसरा PDC। लेकिन मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा नीचे आके वहाँ पे हम लोगों को कोई भी TRS नहीं देता है, ये ध्यान रहे। मार्केट बस थोड़ा सा गिरता चला जाता है। ओके, यहाँ पे मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे कि मार्केट में क्या लगा है मेन फार्मूला, लेकिन मैं मेन फार्मूला पे कभी भी काम नहीं करता। वो वीडियो में आप देखना, मैं बताया हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा डाउन आता है और वापस से एक ग्रीन कैंडल बना के अपना बैंक निफ्टी, अपना पहला रजिस्टर जो मैं अपना व्हाट्सएप चैनल पे दे रखा हूँ, उसके करीब एकदम पहुँच जाता है। ओके, 51,180, और हम लोगों का पहला रेजिस्टेंस कितना था, 51,200, यानी कि 20 पॉइंट से हमारा पहला रेजिस्टेंस को वो टच नहीं करता। लेकिन वहीं पे हम लोगों का जब वो 200 पास जब मार्केट हम लोगों का जाता है, तो वहाँ पे हम लोगों का जो 200 का पुट है, 51,200 का जो पुट है, वो मेरा मेरे प्राइस एक्शन पे आ जाता है। यहाँ पे देखिए, PRS मिला तो ही, जब तक PRS ना मिले, कंफर्मेशन ना मिले, नो एंट्री, या प्राइस एक्शन पे तो आ चुका है फाइनली। यहाँ पे प्राइस एक्शन पे आके थोड़ा अटक रहा है, ये हुआ एंट्री का सही जगह। अगर TRS देता है तो, और उसकी कंफर्मेशन, TRS एंड उसकी कंफर्मेशन, तो यहाँ से पुट पे एंट्री होगा। TRS देन कंफर्मेशन, अगर नहीं होता तो फिर भी इंतजार करो, ये मार्केट फिर कहाँ तक ऊपर जाएगा फिर आप नहीं कुछ कह सकते हो। TRS एंड कंफर्मेशन, चलो देखते हैं। यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप टाइप बनाया है, ओके, और यहाँ पे हैमर बनाया, किसमें, पैसा, प्रीमियम के कैंडल पे हैमर बनके इसको तोड़ रहा है। लेकिन क्या ये कैंडल रुकना बनता है? ऑफ कोर्स रुकना बनता है। ओके, देख लो, निफ्टी यहाँ पे कंफर्मेशन दे चुका है, निफ्टी कंफर्मेशन दे चुका है, हैमर के साथ इसका कंफर्मेशन मिल चुका है गाइस। ओके, मिल चुका है विद द प्राइस एक्शन। लेकिन यहाँ पे एक ही इशू है फिलहाल, वो है OI। फिलहाल OI ये बहुत ही बड़ा इशू है, बस इसका कंफर्मेशन आने दो। निफ्टी सिर्फ कंफर्म किया है, देखो निफ्टी बस कंफर्म किया है, बट बैंक अभी तक नहीं किया है, बैंक अभी तक नहीं किया है, देख रहे हो, यही होता है ट्रैप। कैंडल ना रुके तब कोई एंट्री मारे तो ट्रैप, बहुत चीज देखना पड़ता है। कैंडल अगर रुक जाता ना तो अच्छी बात है, लेकिन क्या हुआ, वो कैंडल वापस से ग्रीन बना दिया, इसे तोड़ा, सबको दिखाया कि अब मैं कंफर्मेशन दे रहा हूं। निफ्टी देखो, निफ्टी भी दिखाया, हैमर बना, यहां तक दिखाया कि कंफर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन कि कैंडल, लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले क्या हो गया, ये देखो ऊपर चला गया ना, तो इंतजार करो, अभी भी 50 सेकंड है, 50 सेकंड में कुछ भी हो सकता है। ओके, 50 सेकंड में कुछ भी हो सकता है। ओके, सॉलिड, ये भी सॉलिड, कंफर्मेशन यहीं पे दिख रहा है। ओके, कंफर्मेशन तो दिखा रहा है एकदम सॉलिड वाला, सॉलिड कंफर्मेशन। जा भाई, जा 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 ऊपर मत जाना, जाओ, निफ्टी रुका है थोड़ा देर। ओके ओके ओके, चलो चलो चलो, निफ्टी, ओके निफ्टी भी दे दिया, सही है, प्राइस एक्शन भी ओके। 1 मिनट टू गो ना, कितना है, ओके 1 मिनट टू गो, 1 मिनट टू गो। अब हम लोगों का सबसे पहला टारगेट जब SMA ऊपर आ चुका है, तो फर्स्ट टारगेट हम लोगों का SMA ही होगा। ओके, फर्स्ट टारगेट हम लोगों का SMA ही होगा, ये याद रखना, फर्स्ट टारगेट हम लोगों का SMA ही होगा फर्स्ट टारगेट। लेकिन उसके साथ प्राइस एक्शन देखना जरूरी है, ओके, प्राइस एक्शन को देखना जरूरी है, जिधर आपको प्रॉफिट सबसे पहले। अगर यहाँ पे ऐसे में तक आ गया लेकिन आपका 100 का टारगेट कंप्लीट नहीं होता, फिर भी एग्जिट करना बनता है गाइस, ये फर्स्ट टारगेट पे निकल जाओ, काफी सेफ रहोगे। चलो देख रहा हूँ, कैंडल देखो कैसा बना रहा है, यस रेड रेड, बट प्रीमियम में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है इस हिसाब से, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना। कैंडल तो बहुत अच्छे अच्छे बना रहे, देख लो ना, लेकिन प्रीमियम में कोई इंक्रीजमेंट उस हिसाब से नहीं दे रहा था। चलो अब सही हुआ, जब दोनों साथ चले तब तो ओके, चलो सही है, प्रीमियम इंक्रीज हो जाए भाई, सिर्फ 20 रुपीज इंक्रीज हुआ है, देख रहे हो, प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज इंक्रीज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज। और मार्केट कितना गिरा, 189 से 60 पॉइंट नीचे गिरा है, और 20 रुपीज इंक्रीज हुआ है। ओके, ये SMA का सपोर्ट ले रहा है, 13 SMA का, ये सारा सपोर्ट, एक लास्ट बार देखेंगे हम लोग OI, लास्ट बार OI कंफर्म और करेगा, लास्ट बार OI को देखते हैं। चलो ओके, 52,000 पूरा स्ट्रांग, 52,100 भी पूरा स्ट्रांग,
200 पे थोड़ा सा लोचा किया है, ओके ये जाने के लिए तो 300 दिखा रहा है, 300 भी दिखा रहा है, एकदम कॉल जाने के लिए 300 तक दिखा रहा है। निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी 400 पे फुल्ली स्ट्रॉन्ग, कोई इशू नहीं है, 400 के नीचे वो जा नहीं सकता, ओके 450 के ऊपर, ओके 500 तक निफ्टी, भाई आज भी फुल्ली बुल्ली मार्केट दिखा रहा है मार्केट, लेकिन कहां से? एक नीचे से, ओके एक बार नीचे आएगा वो तभी। चलो चलो भाई चलो ऊपर चलो, चलो 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 चलो, फर्स्ट टारगेट याद रहे सबको, फर्स्ट टारगेट सिर्फ ऐसे में, बड़ा टारगेट है नहीं, फर्स्ट टारगेट ही ऐसे में, फर्स्ट टारगेट ऐसे में, सेकंड टारगेट फिर देखा जाए आपका तो भाई पीडीसी आएगा, ओके देखते हैं, इंतजार करो अगर बना तो सही है, ओके ओके गाइस चलो सही है, चलो 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 भाई, अभी 30 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है, ओनली 30 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है अभी, 242 270 फुट में सिर्फ 30 रुपीज का प्रॉफिट है, ओके देख रहे हो ना मार्केट गिर रहा है बट उस हिसाब से प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही डेंजर चीज होता है। चलो देखा, इस सब चीज पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट गिर रहा है प्रीमियम जब ना बढ़े तो भाई फोकस करो ऐसे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, अगर आप लोगों को कभी भी नीचे साइड सपोर्ट साइड अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है ना तो फाइनली वो क्या करता है, सपोर्ट को ही मानता है, वो ध्यान रखना, ओके फाइनली वो किस चीज को मानता है, सपोर्ट को ही मानता है, ये देख लो फाइनली वो सपोर्ट को ही मानेगा, देख लो बार बार क्या कर रहा है, मेरे प्राइस एक्शन 305 के ऊपर ही चला जा रहा है, 305 के ऊपर ही अपना प्राइस एक्शन को रख रहा है, ओके ओके चलो इंतजार, ऐसे में आ चुका हम लोगों का, ऐसे में आ चुका है, देख ले ना एकदम नजदीक ऐसे में, तो यहाँ पे फुट का कोई ट्रेड बनता ही नहीं है, ऐसे में पहला टारगेट वापस सबसे टॉप पे आ गया, एकदम छोटा सा प्रॉफिट के लिए देख रहे हो, यही कर रहा छोटा सा प्रॉफिट, छोटा सा ट्रैप कर रहा है सिर्फ, लेकिन वॉइस साफ क्लैरिटी दे रहा है भाई, मैं तेरे को ऊपर लेकर चला जाऊंगा, क्योंकि 100 पे सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, 52,000 पे सपोर्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी में लगा है मेन फॉर्मूला, तो यहाँ पे एक चीज समझो, मैं बोल रहा ठीक है लगा है तो भाई तुम कौन सा स्ट्राइक प्राइस को कौन सा वैल्यू पे उठाओ जो तुम लोगों को लॉस ना हो, ये चीज तो नहीं कोई बताएगा ना, मेन फॉर्मूला लग गया चलो सही है, अगर उसे ऊपर जाना है ओआईडी क्लैरिटी दे दिया मेरे को, मैं ऊपर ही जाऊंगा, लेकिन भाई कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदूं कौन से प्राइस पे खरीदूं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर तुम मेन फॉर्मूला लग जाता ओके और इधर ही तुम कहीं आसपास इधर बाय कर लेते ओके ना, ये देखो ये बुलिश कैंडल जो 9:36 का बुलिश कैंडल इतने पे, तो भाई यहां से लोगों को कुछ ना कुछ लॉस डर जाती है यहां पे, तो ये चीज इंपॉर्टेंट, ये चीज कोई नहीं बताता है कि भाई मेन फॉर्मूला तो लगा ओके, वो तुरंत पता थोड़ी चलता है मेन फॉर्मूला, बताओ देखोगे ध्यान से तो, और यहां पे मेरा दो चीज है प्राइस एक्शन जिस पे मैं काम करता हूं, और ये मेरा 305 को अभी तक एकदम बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट किया ओके, इसीलिए कॉल में एंट्री है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होता, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, इसलिए क्या है कॉल में एंट्री 305 पे एग्जैक्ट लिमिट ऑर्डर में 305 पे लगा दिया था वो पंच हो गया है, चलो देखते क्या करता है, फिलहाल तो 30 रुपीज का इधर से यहाँ पे फुट साइड में 30 रुपीज का प्रॉफिट लिया था इस प्राइस एक्शन पे ओके, और यहाँ पे अभी जब कॉल मिला तो यहाँ पे भी फिलहाल 30 रुपीज का ही प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन इस पे इसलिए ट्रस्ट है क्योंकि वाई बोल रहा है खींच दूंगा ऊपर, नीचे सपोर्ट बहुत ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से यहाँ पे एंट्री है, मैं अपना एक रूल हमेशा बना रखता हूँ, अगर मेरे को मार्केट ज्यादा देर छुड़ा दिया तो मैं तो निकल जाता हूँ, जैसे इस फुट साइड में यहाँ पे इतना बार बार चबा रहा था इस प्राइस पे, इसको तोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए मैं यहीं पे क्या किया निकल गया 30 रुपीज का प्रॉफिट निकल गया, मेन फॉर्मूला क्या होता है वो कभी कभार लगता है, इसलिए मैं उस पर कभी काम नहीं करता हूँ कभी नहीं ओके, मुझे सिर्फ मार्केट से 100 रुपीज चाहिए भाई, मैं पूरा कैप्चर नहीं करूंगा, चाहे वो मेन फॉर्मूला लगे या कोई भी फॉर्मूला लगे ओके, मैं सिर्फ दो चीज पे ज्यादा काम करता हूँ, डबल टी लग गया तो सॉलिड है ओके, मैं 100 रुपीज मुझे मिले मेरे लिए काफी है, 100 रुपीज पे ही मैं काम करता हूँ उससे ज्यादा नहीं, इस चीज पे भी फोकस करो, एक डिसिप्लिन बना के रखो अपने अंदर, मैं वाई पे चल रहा हूँ मेन फॉर्मूला पे नहीं चल रहा हूँ ओके, क्योंकि मुझे 100 का टारगेट चाहिए, अगर मुझे झुला है मैं बारह बोलता हूँ, अगर मुझे मार्केट झुला रहा है ना मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है चुपचाप लेकर निकल जाऊंगा, मेरा यही उसूल है, मैं लॉस देने नहीं आया, मुझे 50 रुपीज मिल रहा है 40 रुपीज मिल रहा है झुला के मिल रहा है तो मैं चुपचाप निकल जाऊंगा, इसे बोलते डिसिप्लिन में रहना, देख रहा हूँ जाने नहीं दे रहा इसे, कोई हाल पे नहीं जाने दे रहा इधर, अरे प्राइस एक्शन को देखो, एक्चुअली प्राइस एक्शन पे कितना बड़ा कांड होता है ये आपको कोई नहीं बताने वाला है, चाहे मार्केट साइडवेज भी होता है ना तो मैं अपने प्राइस एक्शन से यहाँ पे प्रॉफिट निकाल के ले जाता हूँ सीधा बात, या मुझे 30 रुपीज मिलता है प्राइस एक्शन से मिलता है ओके, मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड क्यों एग्जिट किया, अगर उस समय इंटरनेट ना गया हो तो मैं एक ही वर्ड बोला, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरा प्राइस एक्शन पे आके अटक गया मार्केट, तो मैं यहाँ एग्जिट कर जाऊंगा सीधा बात है, मैं ओआई भी बोल रहा है मैं जाऊंगा लेकिन ज्यादा टॉप नहीं, लेकिन निफ्टी बोल रहा मैं तुमको साथ में लेके जाऊंगा, तो जब तक दोनों साथ में नीचे ना आए भाई कोई ट्रेड नहीं बनता है ना ओके, ट्रेड एक ही हिसाब से बनेगा हमारा प्राइस एक्शन पे ओके, 345 पे यहाँ पे मैं एग्जिट किया ट्रेड, क्यों किया मैं बता देता हूँ वापस से, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्राइस एक्शन पे जैसे आया ये रिवर्सल ले लिया प्राइस एक्शन से, मतलब यहाँ से ये क्या करता 30 रुपए ऊपर चला जाता, इसलिए मैं क्या किया वापस यहाँ पे एग्जिट कर गया, तुरंत एग्जिट कर गया, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे 50 रुपए मेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरे लॉट ज्यादा होते हैं ना, मेरे लॉट ज्यादा होते हैं 20 लॉट्स होते हैं मेरे, सीधी सी बात है 20 लॉट मतलब कि 300 क्वांटिटी से मैं करता हूँ, तो भाई 20 लॉट मेरे लिए 50 रुपया 15,000 काफी होते हैं मेरे लिए ओके, 30 रुपीज भी मेरे लिए यहाँ पे जो पुट में मैं 30 रुपीज का ट्रेड मारा, खुद सोचो 30 रुपीज का जो ट्रेड मारा यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट हुआ ना, 30 रुपया में 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इधर का 50 और इधर का 30, 80 रुपीज तो मेरा आज का ट्रेड ओवर हो गया मेरे हिसाब से,
मैं 100 रुपीज पूरा नहीं लिया, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे मार्केट को एनालाइज कर रहा हूँ कि मार्केट अभी फंसा फंसा चल रहा है, तो मैं अपना प्राइस एक्शन पे यहाँ ट्रेड मारा, चुपचाप निकल गया। ये होता है प्राइस एक्शन, द ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन। तो ये चीज अपने हाथ में रखो, स्टॉप लॉस जो होता है ना, आपको कब ट्रेड कट करना है, कब ट्रेड पंच करना। पंच तो कर लेते हो ना, निकल नहीं पाते हो ट्रेड से, एक फोमो, कहीं और प्रॉफिट दे दिया तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ये कितना प्रॉफिट दे रहा है। ओके, अगर तुम दिमाग में फिट कर लो ना कि मेरे को डेली का 30 रुपीज चाहिए, तो मार्केट 200-300 क्यों ना चाहे, तुम डेली का 30 ही रुपया लो, लेकिन सही जगह से लो। अब एंट्री आप कहीं भी नहीं मार सकते, देख रहे हो ना, खुद देखो मार्केट क्या फंसा फंसा चलता। भाई अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग कर ले यार, ट्रेडिंग में सिर्फ एक ही चीज चाहिए, साइकोलॉजी स्ट्रांग कर ले, अपने रूल्स बुक को अच्छे से मेंटेन करके रखो। रूल बुक का बात कर रहा हूं मैं, रूल बुक का, समझो इस बात को।